तो भाई फाइनली वो टाइम आ गया है जब बाय कहना पड़ेगा बड़े भारी दिल से जैस्पर को। अभी तक की ट्रिप में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है वो यहीं पे रहा, बट फाइनली कार हो गई है पैक और सारे हो गए हैं चलने को रेडी। तो अभी हम जा रहे हैं अपने बैंफ नेशनल पार्क, है तो वो भी इतना ही सुंदर, तो चलो उधर लेके चलते हैं आपको, उसके बाद बताते हैं कहाँ कहाँ घूमने जाना है एंड ऑल दैट। सो गाइज फाइनली बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ पे से जाने का, बट जो अपना सुबह का रूटीन है कॉफ़ी हमने पकड़ ली है और अब 4 घंटे की ड्राइव है निकल रहे हैं हम। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टाउन है, चलते चलते भी कोई 15 लोगों से और मिल लिए होंगे, वेरी नाइस पीपल, दोबारा जरूर आएंगे इस ट्रिप के बाद घूमने के बाद में जब घर वापस आएंगे तब, बट अभी के लिए तो भाई जाना पड़ेगा, सारी दुनिया घूमनी है, एक टाउन से थोड़ा ज़्यादा जो दिल है वो नहीं लगा सकते हम। तो चलो लेके चलते हैं अब आपको बैंफ, अभी यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है अप्रॉक्सीमेट। तो गाइस अभी तो चलते चलते बड़ी मुश्किल से 1 घंटा हुआ होगा और रास्ते में एक व्यू पॉइंट हमें मिल गया एंड जो व्यू है वो देखने लायक है। तो ऐसा लग रहा है अगर यूं ही हम रुकते रहे हर जगह तो हम 6 महीने में भी ना पहुंचे इंडिया, बट कल ही किसी ने मेरे से पूछा था कि ऐसा लग रहा है आप लोग कैनेडा घूम रहे हो। भाई कैनेडा है ही इतना बड़ा, यूरोप जितना बड़ा है अप्रोक्सीमेट, और देखने का इतना कुछ है हमारे पास में, रेगिस्तान भी है वहीं पे, बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, तो सब कुछ ही है। तो अब थोड़ा थोड़ा भी सारा कुछ मोटा मोटी यूं है, छोड़ते छोड़ते भी चल रहे हैं तो भी इतना कुछ है देखने का कि इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब ये व्यू पॉइंट है और ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो रुक के करते हैं। ये वाली जो आरवी है ना, ऐसा कुछ लेने का प्लान है हमारा एक बार वहाँ से वापस आने के बाद, तो होटल्स का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा एंड वी कैन सिंपली ड्राइव एंड पार्क इट एनीवेयर और वहाँ से फिर 2-3 दिन रुक के और आगे बढ़े। तो भाई अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट हो गए यहाँ पे बैठे और मन तो कर नहीं रहा जाने का, बट मजबूरी ये है कि जाना ही पड़ेगा। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से आगे बैंफ की साइड में, 2 घंटे की ड्राइव और बची है और आज तो काम भी है सुबह सुबह मुझे, तो स्टारलिंक का जोड़ जुगाड़ लगा के हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा चल जाए, अगर चल गया तो मैं 2-1 घंटे काम कर लूँगा, तब तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं उससे आगे का। तो भाई थोड़ा ही आगे बढ़े थे और ये अपना ग्लेशियर आइस फील्ड करके ना एक जगह है वो आ गई, तो फिर दोबारा से रुकना पड़ गया, दिवांशु और वरुण का मन था, तो चलो इधर चलते हैं एक बार देख के आते हैं थोड़ा। तो भैया अभी 2 मिनट पहले ही मैं बोल रहा था, मैं कहा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर रुके हैं, ऐसे रुकते चले गए तो बहुत परेशानी होगी, मुश्किल से 15 मिनट चले होंगे और पीछे जो ग्लेशियर है वो दिखना शुरू हो गया एंड वी हैड टू स्टॉप। दिवांशु और वरुण गए हैं ऊपर एक ऊपर का व्यू लेने और मैं अभी नीचे ही हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है, यहाँ पर इंटरनेट आ रहा है तो एक बार मैं थोड़ा काम निपटा लूँ, बट उससे पहले व्यू दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। सो रियल में अपन मतलब क्या ही बताएं, जितना रुके उतना ही कम है, तो कोशिश कर रहे हैं जितना कवर हो सकता है उतना कर लें। तो ये पीछे ग्लेशियर है, पीछे एक वो मैंने आपको वो दिखाता हूँ, इनका एक अपना खुद का व्हीकल है उसको लेके जाते हैं ये लोग और ग्लेशियर के ऊपर आपको वॉक करवा के लेके आते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा विंडी है और ठंडा भी है यहाँ, तो वो करने का हमारा टाइम नहीं था अभी, उसमें थोड़ा टाइम है, टिकट की काफ़ी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है, सो अभी बस बार बार से देख के और निकल रहे हैं, फिर दोबारा आएंगे आगे जाने के बाद में। सो गाइस प्लान तो था यहाँ पे 15 मिनट रुकने का, बट 15 मिनट कब 2 घंटे में तब्दील हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग आ गए थे मिलने, बट फाइनली वे लेट ना करते हुए निकल रहे हैं। तो दिवांशु गए हैं कार लेने, एक बार वो लेके आ जाते हैं, तब तक मैं एक बार व्यू दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को।
तो भैया बिना रुकते हुए सीधे चलते हैं पैनफ की साइड में, पास हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो गोली की स्पीड से बढ़ते हैं उधर इससे पहले कि लेट हो जाए। हाय यूट्यूब, तो भाई बहन पहुंचने में अभी भी है 45 मिनट्स के आसपास और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है रास्ते में। नॉट श्योर जाम लग क्यों रहा है इस वाले रूट पे। सबसे ज़्यादा जो जाम है वो लगता है जब रोड के ऊपर बेयर या कोई और जानवर आ जाता है तो लोग पूरा का पूरा हाईवे रोक देते हैं देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। सो दैट कुड बी ए पॉसिबल रीज़न, बट अभी के लिए थोड़ा सा लगा हुआ है जाम। बट चलो किसी बात की जल्दी तो है नहीं जाना, हमें कैलगरी है बैनफ, तो हमें थोड़ा बहुत रुकना, तो धीरे धीरे अपने चले जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम है बाहर, 22 से 26 के बीच में चल रहा है जो टेम्परेचर है वो, तो बाहर का दिखाता हूँ रिकॉर्ड को। तो भाई बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है यहाँ पे, वरना पार्किंग का बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। और ऐसे पार्किंग मीटर होते हैं ये सामने, अब तो मैं करके आ गया पार्किंग, वरना मैं दिखाता आपको कि पार्किंग मीटर कैसे होता है। तो अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, हम आ रहे थे तब किसी ने रिकमेंड किया था जायका करके, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। प्लान तो मेरा था साइकिल लेके जाने का, बट चलो अभी ज़रूरत नहीं है तो बिना साइकिल के ही चलते हैं, इधर से निकल लेते हैं और दिखाता हूँ आपको कितनी। और अभी हम पहुंच गए अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, पब्लिक में मेरे से ज़ोर से नहीं बोला जाता। सो सिंपल सा ही मेन्यू है, ऐसा कुछ अलग से इसमें है नहीं। सो एक हमने मंगाया है इसमें तंदूरी, नहीं ये नहीं है, अब मुझे नहीं पता ये वाली डिश क्या हुई, तंदूरी रान, नान तो हमने भी सुने थे, रान क्या हुआ, 24 घंटे मैरिनेटेड लैम्ब श्रैंक स्लो कुक्ड, ना ये तो बिल्कुल नहीं। सो एक हमने मंगवाया पोटैटो कुलचा, एक हमने मंगवाया प्लेन नान और साथ में थोड़ी बहुत सब्जियां, आ जाता है उसके बाद बताता हूँ। प्राइस जो है वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल है जैसे अपने सिटीज़ में होते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ दे आर एबल टू अफोर्ड सच ए नाइस प्लेस इन सच ए एक्सपेंसिव टाउन, बट एनीवेज काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ का।
तो अभी रात के बज गए हैं 9 के आसपास। अभी हमें निकलना है कैलगरी। बैन्फ में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा घूमने वाला था नहीं, तो वैसा आए थोड़ा बहुत इधर उधर आप लोगों को स्ट्रीट पे दिखाया कैसा व्यू आता है, कैसी वाइब है इस टाउन की। उसके बाद में करके डिनर और अभी हम निकल रहे हैं कैलगरी। तो 2-2.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। तो अभी निकलने ही लगे थे और अपने